हेलो चवन मेडिकल्स। हाँ हेलो, मैं ब्लूमिंग नाइट होटल से बोल रहा हूँ। हाँ एक ऑर्डर लिखो। एक कॉन्डम का पैकेट, एक टिश्यू पेपर का पैकेट। हाँ फटाफट से 303 रूम ने लेके आओ। ये वो फोन कॉल था जो इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ये रात इसकी जिंदगी की सबसे काली रात होने वाली थी। ये है लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल और ये है उसकी कहानी। कहां ये दुनियादारी की झंझट और कहां इत्मीनान से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए जाने वाले ये लम्हे। दोनों की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना खुशकिस्मत है ये लड़का जो इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड है। एक दिन आएगा जब इसी तरह डिंपल भी लकी के पास होगी। डिंपल लकी की गर्लफ्रेंड, वो बस यही चाहती है ना कि लकी के पास एक बाइक हो। इसके लिए जनाब लकी बहुत मेहनत करते हैं, कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लकी को अब भी याद है उस दिन जो हुआ था। मानना पड़ेगा तूने भी क्या सस्ता बॉयफ्रेंड चुना है। इसे तो ना बाइक में पेट्रोल डालने की चिंता होती होगी ना कार पार्किंग की। साइकिल उठा लो और चल दो। करवा ली मेरी बेइज्जती? कब तक तुम मेरी बेइज्जती करवाते रहोगे लकी? तुम मुझे लेने आए वो भी साइकिल पे। मेरी बाकी सहेलियों को देखो, उनका बॉयफ्रेंड या तो उन्हें कार पे बाइक पे लेके जाते। नाराज मत हो डिंपल, जल्दी हमारे पास भी नई बाइक होगी, देखना तुम। अच्छा कब होगी? जब कोई अपनी सेकंड हैंड बेच देगा या फिर कबाड़ में पड़ी होगी कोई। तुम ना रहने दो लकी, तुमसे ना कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। डिंपल ऐसा नहीं है, मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, कब इकट्ठा होंगे तुम्हारे थोड़े थोड़े पैसे? पैसे? क्या दुनिया में सब कुछ सिर्फ पैसा ही है? कभी कभी तो लगता है कि प्यार ना हुआ व्यापार हो गया। तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। हम लड़के कुछ भी कर जाए लगता है सब कुछ कम पड़ ही जाता है। पर खैर, लकी को डिंपल के सवाल का जवाब तो देना ही था। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डिंपल। वक्त मैं तुम्हें बता दे, तुम्हारे पास 2 महीने 2 महीने। अगर तुमने बाइक नहीं ली ना तो जो हमारा ये रिलेशनशिप है ना वो खत्म, और मैं ना तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, ये चीज तुम याद रख। तुम्हारे पास 2 महीने 2 महीने। 2 महीने नहीं, इसी महीने कटेगा तुम्हारी पगार का पैसा, समझे? सॉरी सेठ जी, वो गलती से। ये गलतियां तू अपने घर पर या कॉलेज में किया कर, यहाँ नहीं। अरे काम में मन नहीं लगता हो तो ठीक है, छोड़ दे। अभी टूथपेस्ट तूने बर्बाद कर दिया, इसका पैसा कौन भरेगा, तेरा बाप? सेठ जी गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, गलती ठीक कर देते हैं। ये तेरा पैसा ना तेरी पगार से कटेगा ये, हाँ वो भी डबल। डबल क्यों सेठ जी? ताकि तुझे याद रहे और आगे से ऐसी हरकत ना करे। देख तू अच्छा लड़का था इसलिए मैंने तुझे नौकरी दी, पर जिसने तुझे उंगली पकड़ाई तू उसी का कंधा काटने चला है। ओ छोटू, ये रायता साफ कर जो साहब ने फैलाया है। अरे लकी भैया, क्या करते रहे तो? इतनी मेहनत काहे कर रहे हो भाई, कहीं बंगला बंधवाइएगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहता हूँ, थोड़े बचाना चाहता हूँ ताकि एक बाइक ले सकूँ। हाँ हाँ, और उस फटफटिया पे डिंपल भाभी को घुमा सको। अरे अरे, भाभी का नाम लेते ही सर मारे हो। वैसे आप तो पूरी रात यहीं हो और वो बेचारी कहीं आपका इंतजार कर रही होगी। ऊपर से मौसम भी आज ऐसा है कि पूछो मत। लो इंद्रदेव का नाम लिए और बरस गए। चलो भाई कल मिलते हैं। हेलो चवन मेडिकल्स। हाँ हेलो, मैं ब्लूमिंग नाइट होटल से बोल रहा हूँ। हाँ एक ऑर्डर लिखो। एक कॉन्डम का पैकेट, एक टिश्यू का पैकेट। हाँ फटाफट से 303 रूम में लेके आ जाओ। हाँ सर, क्या कहा आपने? अरे सुनाई कम देता है क्या तुझे? ऑर्डर लिखा नहीं तूने?
ऑर्डर लिखा, रूम नंबर क्या बताया आपने? अरे 303 लिख लिया ना? लिख लिया सर। तो पेन पकड़ के क्या बैठा वहां पे? जल्दी निकल वहां से। सर मैं आपका ऑर्डर ले आऊंगा पर अभी बारिश बहुत हो रही है, थम जाए तो लाता हूँ। अरे डूब नहीं जाएगा तू, पता है मुझे बाहर बारिश हो रही है। और हाँ वो पॉलीथीन में पैक करके लाना। पर थोड़ा रुक जाते तो। अबे ओ तू किसको मना कर रहा है पता है तुझे? मैं किसका बेटा हूँ पता है? जा अपने दुकानदार से पूछ जाके कि मल्होत्रा जी के बेटे को तू ना कर रहा है। बारिश में क्या ये काम चोरी हो रही है? कुछ नहीं सेठ जी, वो किसी मल्होत्रा जी के लड़के का कॉल था, इतनी बारिश में उसे अर्जेंट ऑर्डर चाहिए। जिसे तू मना कर रहा है वो मल्होत्रा जी का लड़का था? अबे कुछ अकल है तुझमें? नहीं मेरी दुकान बंद कराएगा तू? लेकिन सेठ जी वो है कौन? अबे जुबान मत लड़ा, जाके ऑर्डर देकर आ, जल्दी कर। सेठ जी बारिश, इतनी बारिश में मैं कैसे जाऊंगा साइकिल से? अरे बारिश हो रही है, ले ये ले मेरी बाइक की चाबी, ले ले। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने लकी को सेठ की बाइक तो मिली। वो सोच रहा था कि ये बाइक इसके पास कल तक रहेगी और इस पे ही डिंपल को पिक करने भी जाएगा। जरा वो भी तो देखे कि लकी बाइक कैसे चलाता है। एक बार पीछे बैठ जाएगी तो फिर शायद कहीं नहीं जाएगी। हाँ जी, मैं चमनलाल मेडिकल से। लकी ये आपका समान। डिंपल तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को लगा मानो वो कोई डरावना सपना तो नहीं देख रहा। ये डिंपल इस हाल में, इस होटल में किसके साथ है? ये क्या होने वाला है लकी के साथ? तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंपल बात का जवाब दो, मेरे सवाल को घुमाओ मत। अच्छा अब मैं तेरे को जवाब दू? मैं अपने पापा को जवाब नहीं देती और अब मैं तेरे को जवाब देने लग जाऊंगी? डिंपल मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम ना मेरे कॉल का जवाब दे रही हो ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। क्या ये सब क्या है? तुम किसके साथ हो यहाँ? तुझे क्या, मैं यहाँ किसी के साथ भी हूँ, क्या भी करूँ, कुछ भी करूँ। अरे किसी से लड़ाई कर रही हो क्या? ओ ये चिकना चेहरा कहीं देखा दिखाया नहीं लग रहा? ओ डिंपल तुमने मुझे बताया नहीं कि हमारा रोमांस देखने के लिए तुमने लाइव लकी जैसी ऑडियंस बुला रखी। राहुल तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा दोस्त होके मेरी पीठ पे वार करता है, शर्म कर साले। शर्म तुझे आ रही थी, बॉयफ्रेंड है मेरा, उसको छू मत। बॉयफ्रेंड? राहुल तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तू तो कहती थी सिर्फ अच्छा दोस्त है ना? तेरा मेरा ब्रेकअप। बेचारा लकी। पर लकी देख मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ। अरे ये पागल तो कह रही थी कि फोन पर ही ब्रेकअप कर लेती हूँ, मैसेज पर ही ब्रेकअप कर लेती हूँ, पर मैंने कहा नहीं। अरे एक आखिरी बार तो तुम्हारा बनता है ना मिलना। सो कुछ नहीं, मैंने तुझे उस टाइम पे कॉल किया जब डिलीवरी देने सिर्फ तू आ सकती। और ये रब ने बना दी वाली जोड़ी अपनी आंखों से देख सके। सो कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब तुम दोनों ने मुझे यार जान पूछ के। अरे वो सामान तो दे दे, अभी जरूरत पड़ने वाली है। डिंपल मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बाइक भी लेने वाला हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा कितने तक की आती है बाइक? 80,000, 1,00,000? चल तूने अपनी हैसियत के हिसाब से 50,000 की बाइक भी ले। कितना कमाता है तू? 8,000 की सैलरी से तू खाएगा क्या, बचाएगा क्या और मुझे घुमाएगा क्या? तेरे जेब में ना पेट्रोल भरने तक के भी पैसे नहीं है और बाइक की बात कर रहे हैं। लोग ना हंसते हैं मेरे पे जब मैं तेरे साथ घूमती हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है लकी, जहाँ मेरे को जीने से पहले दो बार सोचना पड़े। तुझे तेरी गरीबी मुबारक हो, और वैसे भी मेरी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए ना राहुल है। सही कहा बेटी, हर जरूरत। डिंपल, डिंपल जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम इस राहुल की असलियत को जानती नहीं हो। सब पता है मुझे, और ये चीज ना तू भूल मत, तू जिस आलिशान कॉलेज में पढ़ रहा है ना वो राहुल के पापा का ही। और आज तो मैं अच्छा इंसान हूँ जो तू आज भी उस कॉलेज में पढ़ सकता है। पर दिमाग का क्या है ना,
कभी भी खराब हो सकते हैं और कब तू उस कॉलेज से बाहर हो जाए। और दोबारा स्कॉलरशिप के दम पे तुझे एडमिशन फिर से मिले या ना मिले, मेरी जिंदगी का तो मैं देख लूंगा डिंपल, पर तुम अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचना। अरे अपने पैसे तो लेता जा, मैं हर बार किसी का हक नहीं मारता। जवाब दो भगवान, और कितने सस्ते उस रात भगवान ने जवाब तो दिया पर एक मैसेज के रूप। यह मैसेज जो लकी के फोन पर आया था, जिस पे लिखा था परिवार की रिसर्च और परिवार के फैसले के मुताबिक लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल ने गरीबी की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो जमीन और जायदाद का मालिक है जो उनके परिवार की। यह मैसेज क्या वाकई सच था या फिर किसी ने लकी के साथ कोई मजाक किया? कहीं इसके पीछे डिंपल और राहुल तो नहीं? और अगर यह सच है तो क्या गरीब लकी की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है? ये जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर का अगला एपिसोड, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप। आप लोग सोच रहे हो कि मैं सिचुएशन से कैसे निकलूं? बोलो क्या, वो तो मैं भी सोच रही हूँ। सारा सोचो मत, अगला वीडियो देखो जो इस वक्त अवेलेबल है पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेने पर। इसका मतलब सबको अवेलेबल होने में भी टाइम है। हाँ, लेकिन फ्री गुडीज और फ्री कॉइन्स जीतने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। पॉकेट एफएम 10 लकी विनर्स को देगा फ्री कॉइन्स और फ्री गुडीज। तो कुछ मुझे भी दिलवा दो प्लीज। दिलवा दो क्या होता है, पूरा वीडियो देखो, सवाल का जवाब कमेंट करो और आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।